दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की माइलेज और इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले लक्ष्मी माता उन सभी पर अपने कृपा बनाए रखना जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। रॉयल एनफील्ड ने घरेलू बाजार में अपनी मोस्ट अवेटेड बाइक बुलेट 350 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बाइक में कई बड़े बदलाव किए हैं जो कि इसकी बॉडी पैनल से लेकर इंजन मैकेनिज्म तक देखने को मिलती है। आपको बता दें कि ये कंपनी की सबसे मशहूर और पुरानी मॉडल में से एक है। अब इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को बिल्कुल नई प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जहां इसके रेट्रो लुक को बरकरार रखा गया है, वही बाइक में कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लुक और डिजाइन की बात करें तो नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को देखने में सबसे बड़ा बदलाव इसकी सिंगल पीस सीट के रूप में देखने को मिलता है। बाइक की सीट को पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग बनाया गया है। इसके अलावा हैंडल बार, अपराइट राइडिंग पोजीशन, स्क्वायर कट साइड बॉक्स, टेल लाइट हाउसिंग को भी बदलकर क्लासिक जैसा कर दिया गया है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी इस बाइक में 349 cc की क्षमता वाली सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि 6100 rpm पर लगभग 19.9 bhp का पावर और 4000 rpm पर 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबल है। इस इंजन को 5-speed गियरबॉक्स से लैस किया गया है। नई बुलेट में 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, वही टॉप वेरियंट में कंपनी ने 270 mm रियर डिस्क ब्रेक भी दिया है। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है 1,73,562 rupees और इसकी टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 2,15,801 rupees। बुलेट को कंपनी ने कुल 3 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें मिलिट्री रेड और ब्लैक, मरून और ब्लैक में स्टैंडर्ड मॉडल और बुलेट ब्लैक गोल्ड शामिल है। तो अब आ जाते हैं बुलेट 350 की माइलेज के बारे में। इसके माइलेज आपको लगभग 30 से 35 kmpl के बीच आपको मिलने की उम्मीद है। तो बुलेट 350 की इस नई जनरेशन के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।